हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर। आज इसी कलम प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जो पेपर में 2024 में एक क्वेश्चन सियोर्ड आने वाला है, सेम इसी टाइप का आएगा। पैटर्न हम रोज कराते हैं नए टाइप का, ओके। तो आज मेरे बच्चों हम सीखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के चैप्टर 3 मैथ का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हो, और इसी तरीके के क्वेश्चन 3 मार्क्स में 2 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, और इस पर बेस एमसीक्यू भी बन जाता है, इसलिए पैटर्न को बहुत ही ध्यान से देखना बिल्कुल अच्छी तरीके से, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। सारे क्वेश्चन 2019 में आए हुए क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको आप देखिएगा। सारा सेट 2019 का 3 क्वेश्चन हम लेकर टेक किया है, और ये आप सीख गए तो तरीके तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक। लिखा गया फॉर द वैल्यू ऑफ के, फॉर विच द पेयर ऑफ जो है kx plus 2y बराबर 3 है, 3x plus 6y बराबर 10 लिखा, दोनों साइड कोई दिक्कत नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। आज हमने जो भी क्वेश्चन टेक किए वो सारे k की वैल्यू को बताने के लिए किया है, और आपको लास्ट वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पेपर में आ जाए, तो उसको मतलब ए टू बढ़िया से कह रहे बच्चों हो जाना चाहिए, ना शब्द नहीं होना चाहिए, तभी ए टी बेटी पाओगे। हमारे पास साथ जुड़ जाओ, मैथ आपका बिल्कुल क्लियर कर देंगे, मेरी गारंटी है मेरे भाई बहन लोग, बस विश्वास करो कि विश्वास करेंगे तो मैथ लर्निंग बाय रंजीत सर का बस यही एक निवेदन है कि आपको फुल मार्क्स दिलाने वाले। आई बस समझ में नहीं, तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, फॉर द वैल्यू ऑफ के, फॉर विच द पेयर ऑफ समथिंग है हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों वहाँ पे देखो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हम ट्रिक तरीके से आपको सिखाना चाह रहे हैं। आज के केस में आपके पास इसी इक्वेशन दिया, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं, kx plus 2y बराबर क्या लिखा प्यारे बच्चों 3, 3x plus क्या लिखा 6y बराबर क्या लिखा 10 लिखा हो प्यारे बच्चों। आपका पहला काम क्या है, प्रोसीजर से बता देता हूं, ठीक है। तो इसको पहले कंपेयर कर लोगे a1x b1y c1 से, तो यहां पे a1 बराबर कितना हो गया k हो गया, a2 बराबर b1 बराबर कितना हो गया 2 हो गया, c1 बराबर देखोगे तो कितना हो गया 3। इसी तरीके से a2 बराबर दूसरी इक्वेशन दे 3, अभी इसमें देखो C1 उधर है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड है तो फिर इधर आएगा माइनस में होगा तो कट जाएगा, तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो B2 बराबर 6 हो गया, एंड C2 बराबर क्या हो गया 10 हो गया प्यारे बच्चों। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या समझती हूँ कि आपका कंसिस्टेंट भी है, ठीक है। तो इस तरीके से A1 A2 और B1 B2 का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, C1 C2 का रेशियो क्या होता है, मतलब A1 A2 और B1 B2 क्या होता है, नॉट इक्वल होता है प्यारे बच्चों, सॉरी क्या होता है, नॉट इक्वल होता है यूनिक सॉल्यूशन में, तो मतलब यहां की नॉट इक्वल आने वाला है, ये ध्यान रखना सर। A1 A2 नॉट इक्वल टू क्या होता है B1 / B2 होता है, बोलो क्लियर। अब इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको यहां पे A1 A2 जरा देखिए क्या लिखा हुआ, k / 3 है, नॉट इक्वल टू हो गया। इसके बाद जो है b1 / 2 भाई कितना लिखा, 6 लिखा है प्यारे बच्चों, तो k / 3 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये सॉल्व करें तो 1 / कितना हो गया 3 हो गया, 2 × 2 = 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से क्या आ गया k नॉट इक्वल टू 1 आ गया, मतलब k की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे व्हाट द वैल्यू ऑफ k, फॉर्मिंग द पेयर ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे k क्या होगा नॉट इक्वल 1 होगा। बोलो आया समझ में नहीं प्यारे बच्चे, कोई डाउट क्लियर हो गया, यूनिक सॉल्यूशन समझ में आ गया कि इसमें a1 a2 b1 b2 का रेशियो क्या होता है नॉट इक्वल टू होता है, इसी कॉन्सेप्ट आपको क्या करना था सॉल्व करना था। बोलो क्लियर प्यारे बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों दिया गया बड़ा प्यारा सा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k, डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y = 7 है, 2x + 3y = 7 है, एंड आपका दूसरा देखो k - 1 * लिखा हुआ x + k + 2 * y लिखा बराबर का 3k लिखा, कोई दिक्कत नहीं, हैव एन इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट एनो का मतलब नंबर है, नो नहीं है भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात किया गया, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है तो उस केस में हमारा कोइंसिडेंट लाइन होता है, और उस केस में हमारे पास जो है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो जो होता है इक्वल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, बोलो क्लियर। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों यदि हम यहाँ पे रेशियो लिखें मतलब इस कॉन्सेप्ट के बेस पर, तो a1 a2 b1 b2 और इसके बाद c1 c2 का जो रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। a1 की वैल्यू यदि आप यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखें तो प्यारे बच्चों 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें तो k माइनस क्या लिखा 1, दूसरा देखिए 3 लिखा है यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा k + 2 लिखा है, ठीक है। इन दोनों को आप तीसरा भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, 7 / क्या लिखा प्यारे बच्चों 3k लिखा है, कोई दिक्कत। बोलो आगे समझ, हमें क्या निकालना, k की वैल्यू निकालना, तो हमारा काम तो 2 सीसी से हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 2 / क्या लिख लिए भाई 2 * क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया प्यारे बच्चों, तो 2 टाइम्स क्या बन गया k + 2, और इस साइड गए तो 3 टाइम्स क्या हो गया k - 1 हो गया। अब 2 * k 2k हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 * k 3k हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, बोलो क्लियर। अभी प्लस 3 के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 के हो गया, माइनस 3 है इधर, प्लस गया माइनस क्या हो गया 4, तो इस तरीके से माइनस का क्या आ गया पहले बच्चों 3 में से 2 गया तो कितना आ गया माइनस के आ गया, माइनस कहां से आया समझ में आया, ओके।
इसके बाद माइनस सेम साइन होने की वजह से माइनस सेवन हो गया प्यारे बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से क्या हो गया सर जी, तो सेम साइन होने की वजह से जोड़ दिया, तो इसलिए आपका क्या हो गया माइनस सेवन आया, और इस माइनस से माइनस कट गया तो के बराबर क्या गया सेवन आ गया, तो जरूरत नहीं तीसरे वाले, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब चाहे दो को इक्वट कर लो, चाहे दो किसी को भी इक्वट करके के की वैल्यू निकाल सकते हो, तो टेंशन लेंगे उतना ही। आ रहा समझ में, पहला यूनिक सोल्यूशन था, दूसरा क्या होगी सर जी इन्फाइनाइट मिनी सोल्यूशन, तीसरा क्वेश्चन हमारा नो सोल्यूशन पे बेस है। अब अगला बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मजा आ रहा होगा हमारे ख्याल से क्वेश्चन को देख करके, तरीके को देख करके, बच्चे देख के डर जाते हैं, डरना मना है क्योंकि मैथ्स लर्निंग सर आपके लिए आ चुके हैं सिखाने के लिए, क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पे लिखा है 3x plus 5y बराबर 0 है, दूसरा लिखा हुआ kx plus 10y बराबर क्या लिखा प्यारे बच्चों 0 लिखा। आपको पता है कि जब बेसिकली हैज नो सॉल्यूशंस होता है तो उस केस में a1 a2 b1 b2 का रेशियो इक्वल होता है, c1 c2 के साथ क्या होता है नॉट इक्वल होता है, तो उस केस में मतलब यहाँ पे आपको कंडीशन मेन क्या है प्यारे बच्चों, आज हम क्या सिखाना चाह रहे हैं कि आपको ये कंडीशन तीनों याद रखना और k की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अभी कंडीशन याद रहना चाहिए, तो a1 आपके पास पहली इक्वेशन से देखो 3 है, आपके यहाँ से क्या है सर k है, दूसरे से देखिए b1 5 है, अपान में क्या हो गया 10 हो गए, तीसरे करने की जरूरत नहीं, बोलो क्लियर। अब आप इसको इक्वल कर दो सर 0/0, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3 × कितना हो गया 10 हो गया, और ये क्या बन गया 5k, 5 इधर मल्टीपल है प्यारे बच्चों, इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, ओके। तो इस तरीके से आपके पास 3 × 10 हो गया प्यारे बच्चों 5, 5 × 2 जाए कितना होता है 10, 3 × 2 जाए कितना हो गया 6 हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गया 6 हो गया। आई होप सो कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा हमारा ये क्वेश्चन, मतलब सारे जो 2019 में आए थे दो नंबर में आए थे सारे क्वेश्चन ही, और कितने अच्छे क्वेश्चन थे, बेहतरीन थे, हर एक पैटर्न पे हमने करा दिया आपको यहाँ पे, मतलब यूनिक सॉल्यूशन किया, तो यूनिक सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि a1 a2 b1 b2 का रेशियो नॉट इक्वल होता है, उस कॉन्सेप्ट से करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं वो भी हमने बताया, एक्स के कोफिशिएंट वाई के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट डेप्थ को लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है फिर हमने इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन की बात की, जहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो क्या होता है आपस में इक्वल होता है, एंड थर्ड में हमने ये बात की कि बेसिकली जो है आपका नो सॉल्यूशन है तो उस केस में a1 a2 और b1 b2 का रेशियो जो होता है वो आपका बेसिकली और c1 c2 के साथ नॉट इक्वल होता है, लेकिन a1 a2 और b1 b2 का होता है सेम होता है, ठीक है ना, ओके। तो ये थे आपके बेसिकली आज के वीडियो में प्यारे बच्चों, तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन को समझा होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो, यदि आपने देखा है तो, और यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर जरूर जुड़ें, जिससे कि आपको मतलब कि बेसिकली जो करंट में पढ़ा रहा हो तो है ही, और उसके साथ साथ जो प्रीवियस में हमने 2 सालों में पढ़ा रखा है वो 10th के लिए स्पेशली, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें, जिससे कि आपका कहीं भी डाउट है सारे क्वेश्चन हमने A to Z कराए हैं, तो आप वहाँ सीख सकते हो, आपको कहीं टेंशन मतलब कहीं पे आपको ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आया, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, थैंक यू।